हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल टीयर 1 2017 और एसएससी सीजीएल टीयर 2 2017 के एग्जाम को लेकर। एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। और जो मिनिमम कट ऑफ रही है जनरल की वो 131 रही है, ठीक। और डबल एयू की बात करें तो 152.5 हो जाती है। तो अब काफ़ी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम क्लियर किया है। और अगर सीधी तौर पे बात की जाए तो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए, हमारे इस गुरुकुल हब से जो लगातार 5 से 6 महीने से लगातार जुड़े हुए थे, कुल 107 स्टूडेंट जो अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है। तो 100 व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए पता चला है, तो 107 स्टूडेंट जो लगातार हमारी वीडियो को ही वॉच कर रहे थे, किसी इंस्टीट्यूट को नहीं फॉलो कर रहे थे, किसी इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ रहे थे और ना ही किसी अन्य चैनल से जुड़े हुए थे, वो लगातार हमारे मैथ्स की वीडियो और जीके की वीडियोस ही देख रहे थे। और कुछ रीजनिंग भी है तो रीजनिंग की वीडियोस भी देखी हैं उन्होंने। लेकिन जो उन्होंने बताया है कि साफ तौर पर कि मैथ्स और जीके उन्होंने केवल यहीं से पढ़ा था, तो टोटल 107 स्टूडेंट ने टीयर 1 क्लियर किया है। तो उनके लिए मेरी तरफ से पूरी तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन है और बेस्ट ऑफ लक है टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए। तो टोटल 107 स्टूडेंट हो जाते हैं और 5 से 6 महीने से लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए थे। तो इस तरह की उन्होंने एक उपलब्धि हमारे सामने लाकर दिखाई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे एक इंस्पिरेशनल भी बात हो जाती है, एक मोटिवेशनल भी बात हो जाती है कि 107 स्टूडेंट सीधे 107 स्टूडेंट गुरुकुल हब चैनल से जुड़े 107 स्टूडेंट ने टीयर 1 क्लियर किया। तो बाकी स्टूडेंट जो नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं वो बिल्कुल भी निराश ना रहें, बिल्कुल भी अपने मन में एक किसी भी तरह का डाउट्स ना रखें कि वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। वो डेफिनेटली निकाल पाएंगे, बस अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखें, ठीक है। तो कोशिश मैं ये करूँगा कि बारी बारी से जो 107 स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलूँ एक एक करके और वो हमारी वीडियोस के जरिए आपको कुछ मोटिवेशनल बातें बताएं कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और कैसे की जाए। और हाँ, एक बात और बताता हूँ कि ज़्यादातर 107 स्टूडेंट्स में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के 140 प्लस का स्कोर है और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 160-165 का भी स्कोर किया है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक केवल YouTube चैनल के जुड़ने से ही उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है। मैथमेटिक्स में 46-47 का स्कोर किया है आउट ऑफ 50 और एक स्टूडेंट तो उसका स्कोर था 50 आउट ऑफ 50। काफ़ी अच्छा स्कोर स्टूडेंट्स ने किया है। तो हम तो पूरी तरह से कोशिश में हैं, पूरी तरह से मैं आपकी पूरी सपोर्ट में लगा हुआ हूं और धीरे धीरे कोशिश ये की जा रही है कि इस गुरुकुल हब फैमिली को थोड़ा सा और बड़ा किया जाए। आप तो इस गुरुकुल हब फैमिली के सदस्य हैं ही 1,40,000 के समथिंग, लेकिन फैकल्टी के तौर पर मैं इसमें और टीचर्स को भी जोड़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि कल आपने एक वीडियो देखी होगी नोटिफिकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो वो सर हैं जितेंद्र सिंह। तो वो आपको नोटिफिकेशन, जो भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। उसके साथ ही बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए भी हमारी तरफ से लगातार कोशिश है, लगातार 2-3 टीचर्स से बात चल रही है। जैसे ही किसी से बात कंप्लीट हो जाती है हमारी, ठीक है, तो हम जल्द ही अपने वीडियोज़ के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लगातार जीके और मैथ्स तो चल ही रहा है, रीजनिंग भी हम टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। बात करते हैं आगे की एसएससी सीजीएल टीयर 2 की स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी की बात करें तो 400 मार्क्स का हमारा पेपर रहेगा। अगर इस 400 के मार्क्स में से हम 320 का स्कोर कर पाते हैं, जो भी टीयर 1 क्वालिफाइड स्टूडेंट है, 320 आप एक सेट करके चलें इतना तो टारगेट कम से कम, तो अब 320 के टारगेट को अचीव करने के लिए आपको एक प्री प्लान, एक स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रांग होगा या फिर मैथमेटिक्स ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो वही बात आती है कि अब 320 के टारगेट को अचीव करने के लिए आपका स्कोर कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं कि 170 प्लस आप मैथमेटिक्स,
ठीक है, और 150 प्लस इंग्लिश। अब जिस बच्चे का इंग्लिश अच्छा है तो वो 170 जा सकता है इंग्लिश के लिए और मैथ्स के लिए कम कर सकता है, लेकिन इतना आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि टीयर वन की इतनी हाई कट ऑफ है। तो अगर आप फाइनली सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको 320 तो टारगेट सेट करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को जारी करना होगा। अब उसके लिए करना क्या होगा, देखिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि किसी एग्ज़ाम पर अच्छी कमांड करने के लिए तो आपको करना क्या होगा कि अपने जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के, ना केवल एसएससी सीजीएल टीयर टू, ना केवल एसएससी टीयर वन, बल्कि डबल एओ के जो पहले सेक्शन ऑफिसर वाले एग्ज़ाम होते थे वो भी, टैक्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम अलग से होता था, ठीक है, स्टेनोग्राफी के एग्ज़ाम होते हैं, सीएचएसएल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, सभी एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स और इंग्लिश के आपके पास पेपर सेट, प्रीवियस पेपर सेट होने चाहिए, ठीक है। और उसका सबसे अच्छा, देखिए आज के टाइम में, मैंने कल भी आपको बताया था, सोर्सेज की कमी नहीं है, किरण चैप्टर वाइज बुक, किरण एसएससी चैप्टर वाइज बुक अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट भागवत गीता है मैथमेटिक्स के अंदर, तो उसी को आप अच्छे से प्रिपेयर कर जाइए, बेस्ट बुक है, ठीक है। और इंग्लिश में अगर किरण चैप्टर वाइज में मैंने सुना है कि काफ़ी गलतियां हैं तो आप एमबी बुक्स पर जाइए, एमबी बुक्स बेस्ट बुक है, ठीक है, दो पार्ट में मिल जाएगी आपको, दोनों पार्ट उसको आप एग्ज़ाम से पहले पहले आप प्रिपेयर कर लीजिए। अभी आपके पास 50 डेज का टाइम है, तो 50 दिन कम नहीं होते हैं, 50 दिन बहुत होते हैं, 50 दिन का समय बहुत होता है, 50 दिन में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बल्कि ऐसी तैयारी कर सकते हैं कि आप अपना ड्रीम भी कंप्लीट कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके पास समय है तो इन दो बुक्स पर जाइए, प्लस मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रैक्टिस सेट्स पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डेली बेसिस पर या दो दिन में एक प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। उससे क्या होगा कि आपको डे बाय डे अपने आप को चेक करने का मौका मिलेगा, अपने आप को चेक करने के साथ साथ आपके अंदर जो कमियां हैं वो आपको देखने का मौका मिलेगा, और जब आप उन कमियों को देख पाते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि आप उन कमियों को रिमूव करके चलें, उन पर काम करके चलें, जो आपका बेहतर स्कोर हो पाए, ठीक है गाइज। तो टीयर टू के लिए मेरी तरफ से यही सलाह है कि प्रीवियस पेपर्स पे थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है, प्रीवियस पेपर पर फोकस करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स करें, ठीक है, अपना एक टाइम टेबल सेट करें, जो भी आप पढ़ने का टाइम टेबल बना पाते हैं 7 घंटे या 8 घंटे का। अब आपको दोनों पेपर यानी कि दोनों सब्जेक्ट के लिए बराबर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। डबल एओ के बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा, अलग से एक वीडियो के जरिए बताऊंगा कि उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसमें अलग पेपर भी है, ठीक है, मैं एक जनरल पेपर की बात कर रहा हूँ टीयर टू के, जो केवल मैथ और इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। तो वहाँ पर आप 8 घंटे का अपना टाइम टेबल बनाइए, 4-4 घंटे दोनों को दीजिए, उसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है, साथ में अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। तो 50 दिन का समय एक अच्छा समय है, काफ़ी समय है, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके चलें, बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करके चलें, जो जैसे आपने गुरुकुल हब का नाम टीयर वन में रोशन किया है वैसे ही मैं चाहता हूं कि आप टीयर टू में भी एक अच्छा स्कोर लेके आए, और मेरी तरफ से तो पूरा बेस्ट ऑफ लक है उन 107 के 107 स्टूडेंट्स से के लिए कि वो 107 के 107 टीयर टू भी क्वालिफाई करें, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करें, और टीयर टू तक हमारे चैनल से कोई और भी नए स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो मेरी तरफ से उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक है कि वो भी टीयर टू को क्वालिफाई करके जाए, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो बस आपको इतना ही बताना था, यही सब बातें बतानी थी, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स ने, जो हमारे स्टूडेंट के खास 6 महीने से लगातार जुड़े हुए स्टूडेंट थे, उन्होंने इतना स्कोर किया कि वो टीयर वन क्वालिफाई कर पाए, ठीक है गाइस। तो मेरी तरफ से सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, आज की वीडियो में बस इतना ही, और धन्यवाद।